यशस्वी जायसवाल कर दिया कमाल। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच में। जो इंग्लैंड अपने आप को बड़ा धुरंधर समझती थी, जो इंग्लैंड ये दावा करती थी, ये चेतावनी दे रही थी, ये लगातार इन बातों इस तरीके की बातें कर रही थी कि भारत में आएंगे, बैट बॉल क्रिकेट दिखाएंगे, बैट बॉल क्रिकेट से भारत को हराएंगे, भाई साहब उस इंग्लैंड के मुंह पर ऐसे तमाचे मारे हैं, ऐसे तमाचे मारे हैं। पहले गेंदबाजों ने रेल बनाई, फिर यशस्वी जायसवाल ने रेल बनाई, दोनों ने, पहले गेंदबाजों ने और फिर बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की हवा निकाल कर रख दी। इंग्लैंड के कप्तान देखते जा रहे थे, जायसवाल चौके छक्के लगाते जा रहे थे और बल्लेबाजी के वक्त बैन स्टोक देखते जा रहे थे और विकेट भारतीय गेंदबाज चटकाते जा रहे थे। कुल मिलाकर टीम इंडिया ने ऐसा खेल दिखाया है। ये पहला दिन कह सकते हैं कि पहले दिन इंग्लैंड के जो दिग्गज केविन पीटरसन है, केविन पीटरसन ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साहब ये टेस्ट मैच तो दो दिनों में टीम इंडिया खत्म कर देगी। केविन पीटरसन तो घबरा गए, खौफ में आ गए केविन पीटरसन। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी और टीम इंडिया की गेंदबाजी को देखकर केविन पीटरसन डर गए। केविन पीटरसन ने बोल दिया कि भाई साहब दो ढाई दिन में खत्म हो जाएगा ये टेस्ट मैच। तो जाहिर तौर पर पहले गेंदबाजों ने देखिए कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अक्षर पटेल की बात करिए, रविंद्र जडेजा की बात करिए, अश्विन की बात करिए, बुमराह की बात करिए, तमाम गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा और तारीफ यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल ने इस टेस्ट मैच को T20 बना दिया, क्योंकि इंग्लैंड जो थी वो बैच बॉल की बातें करती है, वो तेज खेलने की बातें करती है। जायसवाल ने बता दिया कि भैया तेज कैसा खेला जाता है। जायसवाल ने साफ बता दिया बैन स्टोक जो है ना, अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। अंग्रेजों को ये सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई साहब ये तकनीक तो हमारी थी, ये जायसवाल ने कैसे चुरा ली, क्योंकि जायसवाल ने केवल 70 गेंदों पर 76 रन बनाए। अब सोचिएगा 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने, 9 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जायसवाल ने किस अंदाज में बल्लेबाजी की होगी। 9 चौक 36 रन तो चौकों से बना दिए और 6 × 12 18 रन छक्कों से बना दिए। मतलब लगभग 50 रन यशस्वी जायसवाल ने चौके छक्कों से बना दिए। भैया इंग्लैंड वालों, आप बैच बॉल हमें सिखाना चाहते हो, भारत में आके बैच बॉल सिखाना चाहते हो, ऐसी रेल बनाई जाएगी, ऐसे मुंह पर थप्पड़ मारे जाएंगे कि याद रखोगे अंग्रेजों पहले तुम्हें भगाया था, अब फिर हराकर भगाएंगे, फिर मारेंगे तुम्हें अंग्रेजों। याद रखोगे टीम इंडिया के नौजवानों की मार, याद रखोगे। तो आप लोगों का यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में इस खिलाड़ी के अंदर वीरेंद्र सहवाग वाले गुण हैं? उसी अंदाज में बल्लेबाजी करता है, बेखौफ बल्लेबाजी करता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।